हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज है 17 मार्च शुक्रवार और आज हम आपके लिए लेके आए हैं 17 मार्च से संभावित जो भी करंट अफेयर बन सकती है उनको हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, लाइक करें और हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लग रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन अपना, हु हैज़ बीन सेलेक्टेड बाई द US सेनेट एज द नेक्स्ट US एम्बेसडर टू इंडिया। अमेरिकी सेनेट द्वारा भारत में अगले अमेरिकी राष्ट्रदूत के रूप में किसे चुना गया है? तो ऑप्शन ए है अपना केनेथ जस्टर, ऑप्शन बी है अपना अतुल केशप, ऑप्शन सी है एरिक कैसेटी, ऑप्शन डी है ए एलिजाबेथ जोन्स। तो करेक्ट आंसर होगा अपना ऑप्शन नंबर सी एरिक कैसेटी। सी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है अपना, इन विच सिटी इज द IBA वुमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप बीइंग ऑर्गेनाइज। IBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप किस शहर में आयोजित की जा रही है? तो ऑप्शन ए होगा अपना नई दिल्ली, ऑप्शन बी है गुवाहाटी, ऑप्शन सी है बेंगलोर, ऑप्शन डी है पटना। तो करेक्ट आंसर अपना होने वाला है ऑप्शन नंबर ए न्यू दिल्ली। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट ऑफ स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट विच इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट इंपोर्टिंग कंट्री ऑफ वेपन्स। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के अनुसार विश्व में हथियारों का सबसे बड़ा आयातक देश कौन सा बन गया है? तो ऑप्शन ए है अपना चाइना, ऑप्शन बी इंडिया, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी कतर। तो करेक्ट आंसर होगा अपना ऑप्शन नंबर बी इंडिया। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है अपना, समीर खखर हैज़ पास्ड अवे, ही वाज रिलेटेड टू विच फील्ड। समीर खखर का निधन हाल ही में हुआ है, वह किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ऑप्शन ए है अपना जर्नलिज्म, ऑप्शन बी है एक्टिंग, ऑप्शन सी है मेडिकल, ऑप्शन डी सिंगिंग। तो करेक्ट आंसर होगा अपना ऑप्शन नंबर बी एक्टिंग। नेक्स्ट है फिफ्थ क्वेश्चन, विद विच कंट्री सेंट्रल बैंक हैज द RBI साइन एन एग्रीमेंट टू प्रमोट इनोवेशन इन फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स। किस देश के केंद्रीय बैंक के साथ RBI ने वित्तीय उत्पादों में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ऑप्शन ए है अपना ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी UAE, ऑप्शन डी है इटली। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यूनाइटेड अरब अमीरात। नेक्स्ट है अपना सिक्स क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू CEO ऑफ हनीवेल इंटरनेशनल। हनीवेल इंटरनेशनल के नए CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन ए है अपना विमल कपूर, ऑप्शन बी है अजय माथुर, ऑप्शन सी रवि चिकारा, ऑप्शन डी है मृदुल अग्रवाल। तो करेक्ट आंसर होगा अपना ऑप्शन नंबर ए विमल कपूर। नेक्स्ट सेवन क्वेश्चन है अपना, इंडिया एंड द वर्ल्ड बैंक हैज साइन एन एग्रीमेंट द कंस्ट्रक्शन ऑफ ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर प्रोजेक्ट इन हाउ मैनी स्टेट्स। भारत और विश्व बैंक ने कितने राज्यों में ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर परियोजना के निर्माण के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ऑप्शन ए है अपना 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी है 7। तो करेक्ट आंसर होगा अपना ऑप्शन नंबर ए 4। नेक्स्ट है अपना, विच स्टेट प्रोवाइड द 10th हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन टू स्टेटहुड एक्टिविस्ट इन स्टेट गवर्नमेंट जॉब। किस राज्य ने राज्य के कार्यकर्ताओं को राज्य सरकार की नौकरी में 10% क्षतिज आरक्षण को मंजूरी दी है? तो ऑप्शन ए अपना झारखंड, बी उत्तराखंड, सी पंजाब, डी राजस्थान। तो करेक्ट आंसर होगा अपना ऑप्शन नंबर बी उत्तराखंड। नेक्स्ट नाइन्थ क्वेश्चन है अपना, विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी इज द होस्ट ऑफ द फर्स्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन शेयर्ड बुद्धिस्ट हेरिटेज। कौन सा राज्य और केंद्र शासित प्रदेश साझा बुद्ध विरासत पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का मेजबान है? तो ऑप्शन ए है अपना नई दिल्ली, ऑप्शन बी असम, सी है केरला, डी है बिहार। तो करेक्ट आंसर होगा अपना ऑप्शन नंबर ए न्यू दिल्ली।
नेक्स्ट आते हैं 10th क्वेश्चन पे. एज पर द रिसेंट MOSPI डाटा व्हाट इज इंडिया रिटेल इन्फ्लेशन रिकॉर्डेड इन फेब्रुअरी 2023. MOSPI ने हालिया आंकड़ों के अनुसार फरवरी 2023 में भारत की खुदरा मुद्रास्फीति कितनी दर्ज की गई है. तो ऑप्शन ए है अपना 7.44%, ऑप्शन बी है 6.44%, ऑप्शन सी है अपना 5.44%, ऑप्शन डी है 4.44%. तो करेक्ट आंसर होगा अपना ऑप्शन नंबर बी 6.44%. नेक्स्ट 11th क्वेश्चन पे आते हैं. विच फिल्म वॉन 7 अवार्ड ड्यूरिंग द ऑस्कर 2023 इवेंट. ऑस्कर 2023 इवेंट के दौरान किस फिल्म ने 7 पुरस्कार जीते हैं. तो ऑप्शन ए है अपना एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल द वंस, ऑप्शन बी है एल्विस, ऑप्शन सी है थार, ऑप्शन डी है टॉप गन मैवरिक. तो करेक्ट आंसर होगा अपना ऑप्शन नंबर ए एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस. यह 95वां ऑस्कर पुरस्कार था जिसमें एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस ने पूरे 7 पुरस्कार जीते हैं, जिसमें इसमें बेस्ट पिक्चर का है फर्स्ट, बेस्ट पिक्चर, बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस, बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर, बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस, बेस्ट एडिटिंग एंड बेस्ट ओरिजिनल स्क्रीन प्ले. इन सब का पुरस्कार इस एक ही फिल्म ने जीता है. तो टोटल 7 पुरस्कार इस फिल्म ने जीते हैं. नेक्स्ट आते हैं 12th. व्हाट इज द नेम ऑफ द साइक्लोन दैट हैज कॉज विंड एंड टेरेंटियल रेन इन मालवी एंड मोजाम्बिक. उस चक्रवात का नाम क्या है जिसने मलावी एंड मोजाम्बिक में तेज हवाएं और मूसलाधार बारिश हुई है. तो ऑप्शन है अपना फ्रेंडी, ऑप्शन बी है फ्रेंडी, ऑप्शन सी म्यूसी, ऑप्शन डी है रहीनो. तो करेक्ट आंसर होगा अपना ऑप्शन नंबर बी फ्रेडी. तो दोस्तों ये थे आज के लिए करंट अफेयर्स. आपको हमारा वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं. चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब अवर चैनल. अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें. थैंक्स फॉर वॉचिंग. स्टे ट्यून. हैव अ नाइस डे.